दोस्तों, जो चार मेन वैक्सीन्स है जिससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है, उसका मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूं, तो ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। उसके बाद बात करेंगे एंथनी फ्यूस्की के स्टेटमेंट के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कि ऑक्सफर्ड के कब क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो इंडिया में स्टार्ट हो गए। लास्ट में बात करेंगे कि तंबाकू से किस कंपनी ने वैक्सीन बनाई, क्या रिजल्ट आया। तो सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊं, आगे ले जाऊं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। एक नई चीज यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड हर रोज जितने केसेस आते हैं वो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक दिन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग केसेस जो है वो रजिस्टर हुए 57,500, टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 16,97,054, एंड अब तक टोटल डेथ जो हुई है वो 36,551 हुई है। आपको क्या लगता है, एक सवाल आपके लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, उसका कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से आंसर देना। क्या लगता है आपको, क्यों इतने ज्यादा केसेस जो है इंडिया में बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली ग्राफ बढ़ रहा है, तो क्या रीजन है और क्या किया जा सकता है कि केसेस थोड़े कम हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक से। चार जो मेन वैक्सीन्स है, ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना, बायोएनटेक एंड कोवैक्सीन। ऑक्सफोर्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, बाकी की दो जो है मॉडर्ना एंड फाइजर एंड बायोटेक वो यूएस कंपनी है, कोवैक्सीन भारत की कंपनी है। चार वैक्सीन का आज कंपैरिजन करेंगे तीन मेन टॉपिक्स पे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से क्लिनिकल स्टेज में है। ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना एंड फाइजर एंड बायोटेक तीनों वैक्सीन जो है वो फेज 3 के ट्रायल में है, सबसे आगे चल रही है ऑक्सफोर्ड, उसके पीछे है कोवैक्सीन जो अभी भी फेज 1 में है। कितने डोजेस ये वैक्सीन के लगाने पड़ेंगे, ऑक्सफोर्ड का सिर्फ एक डोज, मॉडर्ना एंड फाइजर एंड टेक का के दो डोज, एंड अभी तक कोवैक्सीन के कितने डोज लगेंगे वो कैलकुलेट किया गया नहीं है। लास्ट में बात करेंगे कैसे ये वैक्सीन काम करती है। जो तीनों वैक्सीन है, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड एंड फाइजर एंड बायोटेक, तीनों आपकी हमारी बॉडी में टी सेल एज वेल एज एंटीबॉडीज जनरेट करती है, जहां पे कोवैक्सीन सिर्फ एंटीबॉडीज जनरेट करेगी, क्योंकि उसके अंदर एक डेड वायरस है कोरोना का, जो आपकी बॉडी को सिखाता है कि लड़ना कैसे है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था, ताकि आपको पिक्चर समझ आए कि कौन सी वैक्सीन अच्छी होगी और किससे हमें ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए। उसके बाद एक स्टेटमेंट था एंथनी फ्यूस्की का, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एंथनी फ्यूस्की जो है वो इन्फेक्शन के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इन्फेक्शन डिजीज के एक्सपर्ट में माने जाते हैं। उनका ये कहना है कि अभी के टाइम में सारी कंट्रीज जो वो रेस लगा रही है चाइना एंड रशिया के, सबसे पहले वो वैक्सीन को लॉन्च करे वो थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है, क्योंकि जब फेज 3 का ट्रायल कंप्लीट होता है तब एक बड़ा पिक्चर सामने आता है, सारे टाइप्स के पेशेंट्स इसमें कवर होते हैं, 30-40,000 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो एक अच्छा रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट के बिना वैक्सीन को लॉन्च करना खतरनाक हो सकता है। यूएस में जो वैक्सीन आएगी वो दिसंबर या फिर 2021 में आ सकती है। क्यों शेयर किया मैंने ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में भी सेम चीज होगी, दिसंबर में या फिर 2021 में हमें वैक्सीन देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में कि क्या हो रहा है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के साथ, क्यों अब तक उसके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट नहीं हुए हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ दिक्कतें चल रही थी, जिसमें कुछ प्रोटोकॉल में इश्यू था, उन्होंने फिर भी उसे दूसरे ही दिन सबमिट कर दिया था रिवाइज करके, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। ऐसे में द कंट्रोल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने ये DGCI को कहा है कि आप जितना हो सके उतना जल्दी SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन इंडिया में बनाने वाली है, उसे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन दे, ताकि 2 एंड 3 फेज के इंडिया में ट्रायल्स परफॉर्म हो, ताकि वैक्सीन जितनी हो सके उतनी जल्दी लॉन्च हो सके। अब देखना यह है कि कब ये स्टार्ट होते, क्योंकि अब तक कोई भी डेट उन्हें नहीं दी गई, ना ही बताया गया कि किस हॉस्पिटल्स में उनके ट्रायल्स होंगे। ये जरूर से पता है कि 1600 लोगों पे ये ट्रायल होने वाला है 18-55 की एज में, लेकिन कब होगा कुछ भी पता नहीं है। लास्ट में हमारा जो मेन टॉपिक है उससे बात करते हैं कि तंबाकू से कोरोना की वैक्सीन जो है वो किस कंपनी ने बना ली। दोस्तों, एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, ब्रिटिश अमेरिकन तंबाकू, ये सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हो आप सिगरेट बनाने की। उसकी एक सिस्टर कंपनी है कैंट्री बायोप्रोसेसिंग, उन्होंने अप्रैल में ये कहा था कि हम वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। उन्होंने जो तंबाकू के लीव्स होते हैं उसके अंदर से प्रोटीन निकाल के वैक्सीन बनाई है, और उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं, और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स है उसके रिजल्ट्स है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव देखने को मिले हैं। कभी सोचा था आप सभी ने कि तंबाकू से कोरोना की वैक्सीन बनाई जा सकती है? ऐसा सोच के तंबाकू खाना स्टार्ट मत करना, क्योंकि वो तो डेंजरस ही माना जाएगा। लीव्स में से प्रोटीन निकाल के वैक्सीन बनाई जाएगी। कंपनी का ये कहना है कि ये प्रोसेस में
कहीं महीने लग सकते थे, लेकिन हमने वो टाइम को कम करके कुछ वीक्स कर दिया है। बहुत जल्दी वो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करेंगे, अगर आगे उसमें कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो, ऐसे ही वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।